टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाई। 90s के नौजवानों के नेशनल एंथम था ये गाना, और इस गाने के बाद इंद्र देवी घोषित कर दिया गया था रवीना टंडन को। आप सोच रहे हो इस गाने का जिक्र क्यों कर रही हूँ। इस गाने का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि सूर्यवंशी में ये गाना दोबारा देखने को मिलेगा आपको कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के साथ। वही बारिश, वही माहौल, वही थिएटर में सीटियां, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं। रोहित शेट्टी की ऑटो एक्सपो मतलब सूर्यवंशी थिएटर्स में रिलीज हो गई। अब दिवाली के जस्ट एक दिन बाद सुबह सुबह पटाखों के धुएं वाली हवा में ऐसे सल्फर इनहेल करते हुए पहुंची मैं थिएटर्स तक। ओहो, अब आप पटाखों से पोल्यूशन की बात सुनते ही अगर हर्ट हो गए हो थोड़े से और कुछ कहना चाहते हो लाइक व्हाट अबाउट बकरीद पुरखा, तो कमेंट सेक्शन में पता है ना, वहां पे कहीं जो कहना है, पर चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। सो फिल्म में है कुछ यही 55-57 काली स्कॉर्पियोज, 2 फॉर्च्यूनर, 1 फोर्ड की गाड़ी, और हाँ और है अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और कटरीना कैफ, जो एक बार फिर फिल्म में वही कर रही हैं जो हार्दिक पांड्या आजकल क्रिकेट टीम में करता है। कुछ नहीं भैया, सच्ची बताऊँ ऑनेस्टली, कटरीना कैफ से ज्यादा बढ़िया काम तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने किया है, बाय गॉड। सो फिल्म शुरू होती है विद द प्रेमिस ऑफ 1993 बॉम्बे ब्लास्ट्स, और कैसे उन धमाकों से पूरा देश हिल गया था। कुछ टेररिस्ट जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाए थे पकड़े गए, और कैसे कुछ भाग निकले, और उनको पकड़ने के लिए जावेद जाफरी और उनकी टीम की प्लानिंग है सूर्यवंशी। तो भैया ऑनेस्टली फिल्म के शुरू के आधे घंटे में रोहित शेट्टी, क्योंकि आदत से मजबूर हैं, उन्होंने एक बस और एक SUV हवा में उछाल के मूवी की बोनी की। सो अक्षय यानी कि वीर सूर्यवंशी सबको उनके गलत नाम से बुलाते हैं, शिंदे को टुंडे, कटरीना जिनका नाम रिया है उन्हें मलेरिया, आपको बीजेपी की टीम भी। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया भाई साहब। ये साल डॉक्टर्स के लिए बहुत टफ था, एंड इट गेट्स वर्स विद दिस मूवी एज कटरीना इज प्लेइंग अ डॉक्टर। मतलब देखो, शुरुआत में 6.5 मिनट तक तो कुछ ऐसा ही दिखाया है, बट फिर उन्हें अक्षय से प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चा हो जाता है, और फिर वो उतनी ही डॉक्टर है जितने होम्योपैथी वाले। सो भाई साहब फिल्म में बीच बीच में कैसे सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होते ये भी बताने की कोशिश की गई है, और इसके लिए जैसे हर मूवी में होता है एक मुस्लिम पुलिस वाला अक्षय की टीम में आया, जिसका एग्जाम्पल देकर बार बार अक्षय टेररिस्ट को टेड टॉक देते हैं अबाउट इस्लाम। भैया ये प्लॉट ना अब हर धर्म के लिए बोरिंग हो गया है, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो इसे। फिर कैसे सूर्या इन टेररिस्ट्स को पकड़ता है, और कैसे फिल्म के एंड में सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह और अजय देवगन सिंघम भी उसकी मदद करते हैं। तो रोहित शेट्टी खुद एक बड़ा नाम है, और क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करते हैं, ही हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट अ हीरो। शेट्टी साहब ने मूवी अपने ट्रेडमार्क अंदाज में बनाई है, जरूरत से ज्यादा एक्शन, ओवर द टॉप सीन्स, स्टूपिड कॉमिक डायलॉग्स, एंड टू बी ऑनेस्ट रोहित नोज दैट वो फिल्म्स बना किसके लिए रहे हैं। छोटे शहरों में आज भी दबंग, सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी मूवीज चलती हैं, एंड आई नॉट बी सरप्राइज अगर ये फिल्म सूर्यवंशी 100 करोड़ कुछ ही दिन में क्रॉस कर ले। मतलब यार देखो, जैसे वेज बिरयानी से स्वाद एक्सपेक्ट करना इज अ क्राइम, वैसे ही रोहित शेट्टी से सीरियस सिनेमा एक्सपेक्ट करना शुड बी अ क्राइम टू। सो अक्षय कुमार ने हेलीकॉप्टर से लटकने, बंदूक चलाने, एविएटर लगा के गुंडों को मारने की, इन सब चीजों की अच्छी एक्टिंग की है। कटरीना कैफ ऑन दी अदर हैंड सुंदर लग रही है। गुलशन ग्रोवर को इट सीम्स बेड के अंदर से नेफ्थलीन बॉल्स हटा के रजाइयों के साथ बाहर निकाला गया है भैया, और मैं कितने दिनों बाद देखा है भाई को, एंड ठीक ठाक काम किया है 90s के इस ऑन स्क्रीन नरेंद्र ने। रणवीर सिंह भैया फिल्म के लास्ट 15 मिनट में सबसे ज्यादा फनी है सिम्बा। हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अजय देवगन एज सिंघम भी आते हैं थोड़ी देर बाद फिल्म के क्लाइमेक्स में, अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में आते हैं, जहां वो गाड़ी से उतरते हैं, पीछे उनके गाड़ी स्पिन कर रही होती है, और स्क्रीन पे सिंघम का टाइटल ट्रैक, और स्क्रीन के इस तरफ सीटियां और तालियां। ओ भाई क्या छा गया भाई। फिल्म ने म्यूजिक दिया है तनिष्क बागची, एस थमन, अमर मोहिले, हिमेश रेशमिया ने, पर एक भी गाना भैया याद रह जाने वाला है ही नहीं। पर हाँ, टिप टिप बरसा पानी ठीक रिक्रिएट किया है, राग मल्हार से बारिश किड्स करवाते थे, लेजेंड्स यूज टिप टिप बरसा पानी। भैया फिल्म प्रेडिक्टेबल और बोरिंग है, रोहित शेट्टी को अब हो सकता है अपनी नई फिल्म के लिए एक स्टोरी राइटर हायर करना ही पड़े, क्योंकि पता नहीं कहां से ये पंकज त्रिपाठी, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, ये सारे लोग स्टोरी टेलिंग स्क्रीन प्ले लेके आ चुके हैं, वरना रोहित ना SUV हवा में उड़ाकर खूब नोट छाप रहे थे। स्टोरी लेके आते हैं कोई, एक्टिंग करते हैं कोई है? पर यू नो व्हाट, जब OTT जहां पर रोज एक सीरीज या फिल्म रिलीज होती है विद सम सॉलिड डायरेक्शन एंड स्टोरी, रोहित शेट्टी की ये जो बंदर छाप फिल्म्स है ना, अब हजम नहीं होंगी इवन विद द बिगेस्ट A-listers ऑफ बॉलीवुड।
ये फिल्म ना सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट के लिए देखना हो तो देख लो, वो भी कुछ दिन रुको, जब नेटफ्लिक्स पे आ जाए तब देखना, क्योंकि यार 350 रुपए का टिकट, 50 रुपए की पार्किंग, ये खर्चा करना इस मूवी पे मेरे को नहीं लगता बनता। सो बॉलीवुड का पुरखा की तरफ से सूर्यवंशी को 2 स्टार्स। अवॉइड दिस फिल्म जैसे आपने सोन पापड़ी को पिछली 30 दिवाली से किया है। यू आर वॉचिंग बॉलीवुड।